हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर वन के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स लॉन्ग अवेटेड चैप्टर था, बहुत दिनों से लोग डिमांड कर रहे थे, तो थर्मोडायनेमिक्स का नंबर आखिरकार आ ही गया। यार जो ट्वेल्थ प्लस वाले हैं, जो ट्वेल्थ पास वाले हैं, प्लस का मतलब पास वाले हैं, और जो ट्वेल्थ वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि जेईई मेंस के फर्स्ट सेशन और सेकेंड सेशन की डेट्स आ गई हैं। एक्सपेक्टेड ये जनवरी में होगा, 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में पेपर होने वाला है, तो अपनी कमर कस लो, ढंग से बैठ के पढ़ना शुरू कर दो। और अभी भी शुरुआत करनी है तो देर नहीं हुई है, बस थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस को फॉलो करते रहना है, लेक्चर सारे फॉलो करने हैं, और बार बार ये पूछना बंद करो कि ये सफिशियंट है, ये मोर देन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। या लेक्चर कर लो, उसके बाद भी भाई क्यों आगे देख लो, अगर सारे लग रहे हैं तो ठीक है, नहीं लग रहे हैं, जो फंस रहा है वो डाउट पूछ लो, जो तब भी नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब कुछ कमी पेशी रह गई है। बहुत ज़्यादा हाई फाई पढ़ने से काम नहीं चलता है, काम की बात टू द पॉइंट पढ़ने से काम चलता है, ठीक है ना। बहुत हम ये दिखाएं कि मेरे को केमिस्ट्री बहुत आती है, तुम्हें प्रूफ करना हो कि मेरे को केमिस्ट्री बहुत आती है तो मैं उल्टी सीधी बात पढ़ाऊँ, इसीलिए टू द पॉइंट रहेंगे, बहुत इधर उधर नहीं जाएंगे, ज़्यादा भागा भागी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बिल्कुल प्रिसाइज और कंसाइज बात करेंगे जिससे तुम्हारा फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर कर चुके हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर के PYQs भी कर चुके हैं, अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के PYQ करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के PYQ। अब लगातार ऑलमोस्ट डेली एक वीडियो तुम्हारे पास पहुंचती रहेगी जिससे जल्दी जल्दी PYQs भी खत्म हो जाए, ठीक है। चलो, हमें सब कुछ कहाँ पे मिलता है ये हम जानते हैं कि हमें कहाँ मिलता है, texturcam.in पे जाके अपने बैच पे क्लिक करके लेक्चर नंबर पे क्लिक करेंगे तो प्रॉब्लम शीट वहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम शीट यार आने में अभी आज नहीं आ पाएगी, एक दो दिन में आ जाएगी, अभी तो आज केवल इंट्रोडक्टरी क्लास है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, है ना, फिर इसके बाद धीरे धीरे पूरे आ जाएगी शीट। आज की क्लास में हम लोग करने क्या वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे क्या, हम लोग आज थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बेसिक क्लास है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे कम से कम एक क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हारा बन जाएगा पेपर में, जो मेंस लेवल या नीट लेवल का होता है, ठीक है। आज कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं करेंगे, आज हम लोग केवल थ्योरी के बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से सुनना, फास्ट करके भी सुन सकते हो इसे, 1.5x पे भी सुना जा सकता है, जिसे आती है थर्मोडायनेमिक्स रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हर टर्म को लेके, कुछ तुम्हारा होगा, हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को मिला लेंगे तो पूरा चैप्टर हमारा सीधा हो जाएगा। तो चैप्टर ये लेक्चर बहुत छोटा होगा, बड़ा नहीं कर रहा हूँ इसे, क्योंकि तुम पहले फैमिलियर हो जाओ और एडजस्ट हो जाओ कि थर्मोडायनेमिक्स करनी है। डिफिकल्ट है जब हम इसे अपर लेवल पे करेंगे, मतलब अगली क्लासेस से डिफिकल्ट होना शुरू हो जाएगी, इस क्लास में ये डिफिकल्टी लेवल इसका उतना नहीं बढ़ेगा। तो इस क्लास में करना क्या है, हमें आराम से थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ लेना और सीख लेना है कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है। जब मैं आगे यूज़ करूँ तो तुम ये ना कहो कि सर ये तो हमने सुनी नहीं, ये कभी करी नहीं, शब्द तुम्हें पहले से पता होने चाहिए, जो बेसिक बात है वो ये है। तो चलो स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए अपना, कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर और डायनेमिक्स मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। तो थर्म मतलब टेम्परेचर यानी एनर्जी का मूवमेंट के बारे में हमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना, और ये ध्यान रखना कि अगर ये मेरे से पढ़ ली तो फिजिक्स वाली थर्मोडायनेमिक्स भी हो जाएगी, कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन को छोड़ के, मतलब हीट ट्रांसफर और सॉलिड्स में ट्रांसफर के अलावा जो नॉर्मल बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है वो हो जाएगी, केमिस्ट्री में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ बेसिक टर्म्स की बात करते हैं, तो टर्म्स कौन से हैं, जैसे पहला टर्म है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इज एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। यार मैं इसे लिखूंगा नहीं, लिखने में बहुत टाइम बर्बाद होगा, तुम पॉज करके लिख लो फिर मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हो बेटर रहेगा, इस क्लास का प्रिंट आउट ले लो डायरेक्टली और लिखो मत इसे, ठीक है ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, पेन चलाने की जरूरत नहीं, सुनो प्रिंट आउट लेके बैठ जाओ और फिर लेक्चर को सुन लो, बस हो जाएगा काम, अंडरलाइन कर लेना। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जो हमारी ऑब्जर्वेशन में है उस पार्ट को हम कहते हैं सिस्टम, दुनिया का वो हिस्सा जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टम। मान लेते हैं कि अगर हम किसी एक्स पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारी दुनिया क्या है, हमारी दुनिया में जो हमारा सिस्टम है वही हमारी दुनिया बन जाती है, और बाकी उसके आसपास सब क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है। अब सराउंडिंग क्या होती है, दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। मान लो हमें किसी को देखा और हमने कहा ये हमारी दुनिया यानी कि ये हमारा सिस्टम है, तो उसके आसपास जो भी कुछ है क्या है, वो सराउंडिंग है, और सिस्टम और सराउंडिंग मिलके क्या बन जाते हैं, यूनिवर्स बन जाता है। सिस्टम और सराउंडिंग मिलके क्या बन जाते हैं, यूनिवर्स बन जाते हैं। तो यूनिवर्स कितना छोटा सा है, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। अब सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने के लिए क्या चीज़ होगी, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने के लिए जो चीज़ होगी उसे कहते हैं बाउंड्री। क्या कहते हैं, बाउंड्री। बाउंड्री इज विच सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। इट कैन बी रियल और इमेजिनरी।
जो हम लोगों के आसपास जो बाउंड्री है वो कैसी है, इमेजनरी बाउंड्री है, वो रियल बाउंड्री नहीं है। हम कहते हैं भाई हमारी नाक से इतना दूर रहना, तो ये क्या एक हमने शील्ड बना रखी जिससे लोग कहते हैं कि इससे दूर रहना, तो ये दिस इज कॉल्ड इमेजनरी बाउंड्री। कैसी बाउंड्री है, इमेजनरी है, ये रियल बाउंड्री नहीं है, ठीक है। और रियल बाउंड्री जैसे कि अगर हम थर्मोस्टेट ले लें तो उसकी बाउंड्री हम कैसे लेंगे, थर्मस की बाउंड्री कैसी हो जाएगी, हमारी रियल बाउंड्री हो जाएगी। इमेजनरी बाउंड्री जो हमने एज्यूम कर ली कि ये बाउंड्री है। अब रियल और इमेजनरी बाउंड्री में जो रियल बाउंड्री है वो दो तरह की हो सकती है, कैसी, या तो डायथर्मल होगी जिसमें हीट एक्सचेंज इज अलाउड, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ हीट होगा, जब अलाउड कह रहे हैं तो कंप्लीट होगा, अगर नॉट अलाउड कर रहे हैं तो नहीं होगा, पार्शली जैसी कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम आइडलिस्टिक सिस्टम्स की बात कर रहे हैं और आइडलिस्टिक सिस्टम्स में ये बातें नहीं की जाती, ठीक है। तो अरे व्हाट्सएप चैनल पे भी एक ग्रुप बनाया है, एक चैनल बना दिया है व्हाट्सएप पे भी हमने, ठीक है, तो उसे भी ज्वाइन कर लो, उस पर कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं डालता रहूँगा, वो भी देख सकते हो, है ना। टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन करना ही करना है, व्हाट्सएप वाले को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो डायथर्मल बाउंड्री क्या है, हीट एक्सचेंज जिसमें अलाउ होगी उसे हम डायथर्मल बाउंड्री कहेंगे, और रेडियाबैटिक बाउंड्री वो होगी जिसमें हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं होगा, जिसमें हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं होगा वो क्या है, वो हमारी कैसी बाउंड्री है, वो हमारी एडियाबैटिक बाउंड्री है। ए डायबैटिक कोई नहीं कहेगा इसे, ये एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक मतलब जिसमें हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं होता है उसे हम एडियाबैटिक बाउंड्री कहते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम कैसे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मास एंड हीट। अगर हम मास और हीट के एक्सचेंज के बारे में बात करें तो टाइप्स ऑफ सिस्टम हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम कौन सा है, सिस्टम इज सेट टू बी ओपन इफ इट एक्सचेंजेस मास एंड हीट, वो अगर मास और हीट दोनों एक्सचेंज कर रहा है तो कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। मास और हीट दोनों एक्सचेंज कर रहा है तो इसका मतलब कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। जैसे कि हॉट कप ऑफ टी, जब तुम चाय पीते हो तो चाय से वेपर्स निकल रहे होते हैं, यानी कि मास एक्सचेंज हो रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है और वो लौट के वापस नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने फूंक मार के उड़ा दिए थे। अगर तुम्हें वो चेक करना हो कि वास्तव में मास था कि नहीं, तो उसके ऊपर लेड लगा देना और लेड पर देखना कि वाटर वेपर डिपॉजिट होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि चाय के कप के ऊपर से जो मास था वो एक्सचेंज हो रहा था, ठीक। क्लोज सिस्टम क्या करेंगे, क्लोज सिस्टम में मास एक्सचेंज अलाउड नहीं होता है लेकिन हीट एक्सचेंज अलाउड होता है। तो अब हम क्या करेंगे, उसी चाय के कप के ऊपर क्या लगा देंगे, एक ढक्कन लगा देंगे, एक लिड रख देंगे, एक प्लेट रख देंगे, तो क्या होगा, अब मास को अलाउ नहीं कर रहे हैं चेंज एक्सचेंज होने के लिए, निकलने के लिए, लेकिन हीट तो एक्सचेंज हो रही है, ठीक है ना, हीट एक्सचेंज हो रही है। तो हीट एक्सचेंज होगी और मास एक्सचेंज नहीं होगा, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम कहेंगे। और आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें हीट और मास दोनों का एक्सचेंज हम प्रोहिबिटेड कर देंगे, दोनों को एक्सचेंज होने नहीं देंगे, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम बोथ एंड मास एक्सचेंज इज नॉट अलाउड। तो टी को हम किस में रखेंगे, इन ए थर्मोस्टेट फ्लास्क। देखो बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम तो हो नहीं सकता कोई भी, तो हम क्या कहते हैं, कोई भी जनरल सिस्टम जिससे मास और हीट अलाउड एक्सचेंज अलाउड नहीं है वो हमारा कैसा सिस्टम है, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। वो कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। अब ऑन द बेसिस ऑफ अगर कंपोजिशन की बात करें, अभी हम लोगों ने बात किया मास और हीट के बेसिस पे कि सिस्टम को हम कैसे कहेंगे, कि तीन तरह के सिस्टम थे, क्लोज्ड, ओपन और आइसोलेटेड। अब अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन कहें, कंपोजिशन का मतलब क्या है कि कितने तरह की फेजेस हैं, तो दो तरह के सिस्टम हो सकता है, कौन कौन से, एक तो हो सकता है होमोजीनियस और एक हो सकता है हेटरोजीनियस। होमोजीनियस सिस्टम वो है जिसमें थ्रू आउट सेम फेज होती है, मतलब अगर सॉलिड है तो पूरा सॉलिड ही है, लिक्विड है तो लिक्विड ही है, और गैस है तो गैस। फेज का मतलब हम 12th लेवल पे सॉलिड लिक्विड गैस से समझते हैं, लेकिन आगे चल के फेज का मतलब अलग अलग होता है, मतलब अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट में सोडियम क्लोराइड डाल देंगे तो वो सेम फेज में नहीं कहला पाएंगे, लेकिन अभी इस बारे में चर्चा नहीं करते हैं, अभी तक हम केवल सिंपल बात को रखते हैं कि फेज का मतलब है क्या, कि जब केवल एक ही कंपोनेंट हो, एक ही तरह की फेज हो, सॉलिड लिक्विड या गैस, तो हम उसे क्या कहेंगे, होमोजेनियस सिस्टम कहेंगे। हेटरोजेनियस सिस्टम क्या होता है, हेटरोजेनियस सिस्टम में एक से ज़्यादा फेज होंगी, या तो सॉलिड लिक्विड होगा, लिक्विड गैस होगा, गैस सॉलिड लिक्विड तीनों हो सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं हेटरोजेनियस सिस्टम। तो अब सिस्टम के बारे में ही चर्चा करनी है, क्योंकि हमें तो मतलब सिस्टम चाहिए। देखो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा सिस्टम की चिंता करते हैं, और हमेशा फिजिक्स में भी केवल वही उन्हीं फोर्सेस का पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं जो सराउंडिंग ने सिस्टम पे लगाए। फोर्स अप्लाइड बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम तो हम पढ़ते हैं, लेकिन ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग नहीं पढ़ते। मान लो जैसे कि तुम मेरा सिस्टम हो, ठीक, मैंने मान लिया कि तुम मेरा सिस्टम हो, अगर तुम पे किसी ने थप्पड़ मारा तो हमें चिंता है ना, तुम किससे पिट के आए, तो हम उसे देखेंगे जाके बाद में, लेकिन तुम किसे किसे मार के आए रास्ते में, तुम उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरा सिस्टम अभी सिक्योर है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक अपना सिस्टम सिक्योर है तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, जब सराउंडिंग फोर्स लगा देती है तब दिक्कतें शुरू होती हैं। तुमने किसी को गाड़ी से दबा दिया, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन किसी ने तुम्हें दबा दिया तो दिक्कत है, ऐसा करना नहीं है, ठीक है ना। ये बिल्कुल तय बात, ऐसा ये सब एग्जांपल ऐसे हैं जो तुम्हें मतलब समझाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मैं उनको सर ने पढ़ाया था कि ऐसा कर देंगे, भैया तमीज़ में रहो, है ना, यही बहुत ज़रूरी बात है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम, अब हमें क्या करना है, सिस्टम को डिफाइन करना है, कि सिस्टम को हम बताएंगे कि सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड बाई अ पर्टिकुलर सेट ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज कॉल्ड प्रॉपर्टी बाई विच अ सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड। तो अगर हमें सिस्टम को डिफाइन करना है किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज से जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं, तो उनसे सिस्टम को डिस्क्राइब किया जा सकता है। और एग्जाम्पल इसके जैसे हम पीवीटी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम है। सिंपल बात है, बिल्कुल आसानी से समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को बट किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अपने वीडियोस तो कम ही लोग देख रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात भी नहीं, जो हम तुम दो ही लोग हैं हम तो मानते हैं ना, कम ही लोग देख रहे हैं, ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं। अब तो मेंस की नीट भी अनाउंस हो गई, तब भी सही केमिस्ट्री किसी को नहीं देखनी है ना, ना सही जो काम की बात कर रहा वो कहाँ देखना, आदमी को अनर्गल चीज़ें देखनी है, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट है ना। तो इंटरटेनमेंट से अगर चलेगा तो फिर तो हम लोग पीछे ही रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, पीछे सही आगे सही। यार तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं अगर तुम्हें बताऊं, या छोड़ो रहने दो, कि जब मैं कॉलेज में था तो यार बहुत ही दिक्कत थी, पैसे की बहुत दिक्कत थी, तब भी मैं परेशान नहीं हुआ, अभी तो मैं मजे में हूँ, ठीक है। चलो छोड़ो ये बातें, छोड़ते हैं, अभी काम की बात करते हैं। किसी दिन जब हम लोग फेमस हो जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तब तुम्हें कहानी सुनाएंगे अपनी, है ना, वो तुम्हें सुन के अच्छा लगेगा, क्योंकि रिलेट कर पाओगे। मैं तुम्हारी समस्या बिल्कुल समझता हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। सोचता हूँ जो स्टॉक्स में चला जाऊँ क्या, वहाँ कहानी सुनाने का सही प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सुनाऊंगा जाके कहानी। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या कहते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो है विच डू नॉट डिपेंड अपॉन मास, जो मास पे डिपेंड नहीं करती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं। जैसे तुम्हारा मास जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन नेचर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं होगा तुम्हारा नेचर अगर मान लो शांत है तो तुम मोटे हो जाओ तो लोगों से लड़ने लगो, ऐसा तो नहीं करेंगे। मोटे होने पर लोगों से लड़ेंगे तो नहीं, अगर हम शांत से होगे और गुस्सा लें तो ऐसा नहीं होगा कि पतले होने पर हम गुस्सा ना करें क्योंकि पिट जाएंगे भाई, ऐसा नहीं। तो जो मास पे डिपेंडेंट है वो क्या है, वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो मास पे डिपेंडेंट नहीं है वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये निहायत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक क्वेश्चन आ ही जाता है इससे कि इनमें से चारों में से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटीजर में भी पूछते हैं कि 10 प्रॉपर्टी लिख दी और पूछ दिया कौन सी इंटेंसिव और कौन सी एक्सटेंसिव है। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी कैसी है, इंटेंसिव। अब तुम कहोगे डेंसिटी तो होती है मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी क्या है, मास बाई वॉल्यूम है, तो मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी है, बात सही है। तो तुम कहोगे जिसका मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे जब बात हो रही है डेंसिटी की तो किसी एक लिक्विड की हो रही है। तो अगर हम 100 ml वाटर ले लें या 1000 liter वाटर ले लें तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, 100 ml की ज़्यादा होगी। अरे यार 1000 ml की ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा, दोनों की बराबर होगी मेरे भाई। मास और वॉल्यूम का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, अगर हम वाटर की बात करें तो 1 g/cc ही आएगा, किसी के पे चेंज नहीं होगा। जबकि वॉल्यूम वो मास पे डिपेंडेंट होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम भी होगा। नंबर ऑफ मोल्स, मास, ये सब क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड करेगी। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का हमेशा फिक्स होगा, विस्कोसिटी फिक्स होगी, प्रेशर, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया है, और फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन है अपॉन एरिया है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि प्रेशर कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी इसके लिए एक स्टेटमेंट भी लिख दूंगा तो जीवन आसान हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर वॉल्यूम, मोलर एंट्रोपी, मोलर इंथैल्पी, जिसके आगे भी मोलर लग गया वो समझ लो इंटेंसिव हो गया, जिसके आगे भी मोलर लग गया वो कैसा हो गया, इंटेंसिव हो गया, ठीक। और हीट कैपेसिटी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब कैसी हैं, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंडेंट होती हैं। लेकिन अगर हमने इनके आगे मोलर लगा दिया तो ये कैसे हो जाएंगी, इंटेंसिव हो जाएंगी, ठीक है। तो किसी भी, जैसे वॉल्यूम तो कैसा है, एक्सटेंसिव, लेकिन अगर हम मोलर वॉल्यूम बोल दें तो वो कैसा हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा, ठीक। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी होती हैं, एडिटिव होती हैं, ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी होती हैं, एडिटिव इन नेचर होती हैं, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव होती हैं, उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को जोड़ा जा सकता है। ऐसे मास m1 प्लस m2 लिखा जा सकता है टोटल मास, लेकिन डेंसिटी को d1 प्लस d2 नहीं लिखा जा सकता। डेंसिटी ऑयल और वाटर के जोड़ के ओवरऑल सोल्यूशन की डेंसिटी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वो इमिसिबल ही रहेगा। और एक जरूरी बात की रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव, किसी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होगा, लेकिन एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव, इंटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव इनटू एक्सटेंसिव, ऐसा कोई भी डिफाइन नहीं है, कुछ भी नहीं निकलेगा उससे काम की बात। तो हमें क्या पता है कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा कैसा होगा, इंटेंसिव होगा। ठीक, अब बात करते हैं एक नई चीज़ की, विच इज़ कॉल्ड स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन। तो जो वेरिएबल्स थे उन्हें हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेट स्टेट को डिफाइन करने के काम आते हैं। जैसे PVT आर कॉल्ड द स्टेट वेरिएबल और द स्टेट फंक्शन बिकॉज देयर वैल्यू डिपेंड ओनली अपॉन द प्रेजेंट एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक, किस पर डिपेंड करें, ये केवल स्टेट पे डिपेंड करी, प्रेजेंट स्टेट एंड वो स्टेट कैसे अचीव की गई उस पर डिपेंड नहीं कर रही। जैसे तुम्हारा सिलेक्शन जो है वो स्टेट फंक्शन है, JEE में तुम्हारा सिलेक्शन जो है वो स्टेट फंक्शन है। कैसे, कि कोई नहीं देखने आ रहा यार कि तुम कैसे सेलेक्ट हुए हो, कैसे पढ़े, क्या किया, तुम दिन रात पढ़े, डेक्स्टर कैम से पढ़े, एक्स से पढ़े, वाई से पढ़े, जेड से पढ़े, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, यूट्यूब से पढ़े, ऑफलाइन कोचिंग से पढ़े, ऑनलाइन कोचिंग से पढ़े, कैसे पढ़े, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम सेलेक्ट हो गए तो। और सबसे पहले इसमें जो कमेंट करते हैं ना, जो ड्रॉपर्स हैं, वो जानते होंगे कि घर वाले होते हैं अपने, पड़ोस बिल पड़ोस वाले और घर वाले, सबसे सगे अपने जो हैं घर वाले, वो सबसे कमेंट करते हैं। क्या कहते हैं कि अगर तुम सेलेक्ट हो गए तो कहेंगे हमें पता था, यूट्यूब तो बिल्कुल केवल पढ़ने के लिए ही खोल रहा था, चाहे तुम एनिमे देख रहा हो उसमें, चाहे तुम पबजी के वीडियोस देख रहे हो। वो हमेशा क्या कहेंगे, अगर सेलेक्ट हो गए तो होगी, तुम्हारा IIT दिल्ली में सिलेक्शन हो गया तो कहेंगे अरे वो तो इसीलिए देख रहा था क्योंकि वो पढ़ता था यूट्यूब में भी, टेक्स्टर कैम से पढ़ रहा था, है कि नहीं। और अगर तुम सेलेक्ट नहीं हुए तो वही घर वाले क्या कहेंगे आके, कि हम तो जानते थे ये सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब से भी कोई पढ़ के पढ़ाई होती है, हैं सीरियस कोचिंग ज्वाइन करवा रखी तब भी नहीं पढ़ा रहे और केवल यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, पागल है बिल्कुल। मैं चिल्लाती रही और मैं चिल्लाता रहा, ये नहीं सुने मेरी बात, अब फेल हो गया। देखो ये घर वालों के स्टेटमेंट हैं। ड्रॉपर वाले जरा कमेंट करके बताना कि ऐसे स्टेटमेंट आया या नहीं आया। बाद में वो सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल घर वाले ही सपोर्ट करते हैं और वही हैं तुम्हारे असली माँ बाप और वही तुम्हें सपोर्ट करेंगे भी। हम लोग तो दूर हैं, हम सपोर्ट करेंगे लेकिन मॉरली कर पाएंगे, बाकी इमोशनली और बाकी सब तरह सपोर्ट तो घर वाले ही करेंगे ना। तो घर वालों का बिहेवियर बदल जाता, आस पड़ोस वालों का बिहेवियर बदल जाता। सेलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो स्टेट वेरिएबल है। कैसे अचीव हुई, तुक्के मार के सेलेक्ट हुए, नोबडी केयर्स। और सेलेक्ट नहीं हुए तो नहीं हुए। इसके लिए इंग्लिश में कहावत है, नो सक्सेस इज ग्रेटर देन सक्सेस। ठीक है, कोई सफलता सफलता से बड़ी नहीं होती है। ठीक है, तो भाई स्टेट वेरिएबल बात समझ में आ गई कि हम लोग जो स्टेट है वो हमारे, जैसे हमें अम्बानी बन गए, अम्बानी जी बने, अम्बानी जी कैसे बने इससे हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, उनकी हमें लाइफ हिस्ट्री जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं, अम्बानी हमें ये जानने में इंटरेस्ट है कि उनके पास पैसा है। ठीक है ना, तो ये बात है ध्यान रखने की कि जो स्टेट वेरिएबल होते हैं वो स्टेट कैसे अचीव हुई इस पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, बस स्टेट अचीव हो गई हमें इसी की चिंता है। ठीक, अब मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी स्टेट फंक्शन। तो अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेशन कर दें ए से बी इंटीग्रेट कर दें d5 को, तो 5e माइनस 5a आ जाएगा। ठीक, अगर 5e स्टेट फंक्शन है तो 5e अगर स्टेट फंक्शन है तो या तो हम इसका साइक्लिक इंटीग्रल करें, मतलब जहाँ से चले थे वहीं लौट के आ जाए तो कितना आएगा, 0 आएगा, या अगर a2a लिख दें तो भी 0 आएगा, मतलब जहाँ से चले अगर वहीं आ जा रहे हैं तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि फाइ ए कैसा है, फाइ ए स्टेट फंक्शन है। ठीक, इतनी बात आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, मैं जानता हूँ नहीं आएगी, खैर तुम लोग तेज बच्चे हो, इसमें तो दिक्कत आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक, अब अगर हमें सब प्रूफ करना हो कि लेट अस सपोज फाइ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज अ स्टेट फंक्शन, तो हम उसे आयलर रेसिप्रोसिटी थ्योरम से प्रूफ करते हैं। किसे करते हैं, आयलर रेसिप्रोसिटी थ्योरम से। ये थ्योरम तुम लोगों ने पढ़ी या नहीं पढ़ी कमेंट करके बताना जरा, कि ये हमने सुनी भी नहीं सर, ये क्या बोल रहे हो आप, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहती है कि अगर एक फंक्शन दो
वेरिएबल्स का फंक्शन है, कोई फंक्शन दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो हम उनके ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन पे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम एक को पार्शियली डिफरेंशिएट करें, दूसरे को कांस्टेंट मान लें, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करें, फर्स्ट को कांस्टेंट मान लें, या फिर इसका अपोजिट करें, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करें, दूसरे को कांस्टेंट मान लें, दूसरे को डिफरेंशिएट करके फर्स्ट को कांस्टेंट मान लें, ठीक है, तो उनके ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर हम पहले एक्स को इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करें, अगर हम पहले एक्स को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अरे यार जवान फंस रही, कि अगर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई, और फिर पूरे जो नंबर आया उसे वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें एट कॉन्स्टेंट एक्स, या फिर हम इसे उल्टा कर लें कि पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें एट कॉन्स्टेंट एक्स, और फिर जो नंबर आया उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एट कॉन्स्टेंट वाई, तो वो नंबर सेम आएगा। मान लेते हैं कि फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अगर फाई एक्स वाई का फंक्शन है तो जरा निकाल लो भाई, डेल एक्स डेल फाई ओवर डेल वाई निकाल लेते हैं, डेल फाई ओवर डेल वाई कॉन्स्टेंट एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, वाई का डिफरेंशिएशन वन। अब जो नंबर आया, अगर हम इसे डेल ओवर डेल एक्स लिख दें, डेल फाई ओवर डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई, इक्वल्स टू निकालना हो तो क्या लिखेंगे, डेल ओवर डेल एक्स, इसकी वैल्यू थी एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई, तो ये कितना आ जाएगा वन। इसी तरह से अगर हम इसका रिवर्स करना चाहें तो देखो, रिवर्स भी दूसरे कलर के पेन से लिख के करके दिखा दे रहे कि अगर हम डेल फाई ओवर डेल वाई निकाल डेल एक्स निकाल लें एट कॉन्स्टेंट वाई, तो ये कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, वाई इंटू वन आ जाएगा, बोलो ये कितना आ जाएगा, वाई इंटू वन आ जाएगा। अब अगर हम डेल ओवर डेल वाई निकाल लें, डेल फाई ओवर डेल एक्स, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा डेल ओवर डेल वाई वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स, तो ये भी बना जाएगा, तो ये दोनों वन आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसा फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है, ये आयलर रेसिप्रोसिटी थ्योरम को प्रूव कर रहा है। सिंपल सी बात है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। तुम्हें तो वैसे पढ़ के ही बताने पड़ेंगे, याद ही रखने पड़ेंगे, लेकिन ये कैसे प्रूफ होते हैं उसके लिए ये तरीका है, ठीक है। कितने लोगों को आता था बताना ज़रा कमेंट करके मेरे को। अब पाथ फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन वो होते हैं फंक्शंस विच डिपेंड अपॉन द पाथ, मींस हाउ द प्रोसेस इज कैरीड आउट, जैसे वर्क और हीट कैसे हैं, पाथ फंक्शन है कि कैसे हम स्टेट पे पहुंचे उसे हम क्या कहेंगे, पाथ फंक्शन कहेंगे। एग्जांपल ऑफ स्टेट फंक्शन लिखे तो पीवीटी, डेल्टा यू, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, ये सब क्या है, ये हमारे स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब इसका अगर एक क्वेश्चन करना हो, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस इज अ स्टेट फंक्शन, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के लिए तो मैं वैल्यू भी दे दी कि वॉल्यूम किसका फंक्शन है, v इज अ फंक्शन ऑफ t एंड f। तो अगर हम वॉल्यूम dv by dt निकालें, डेल ओवर डेल डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट p निकालें, तो क्या हो जाएगा, ये एन आर अपॉन p हो जाएगा, इसे डिफरेंशिएट कर दिया। अब हमें क्या निकालना होगा, डेल ओवर डेल p, डेल v ओवर डेल t एट कॉन्स्टेंट p एट कॉन्स्टेंट t, ठीक, तो ये आ जाएगा कितना, इसे लिख दें डेल ओवर डेल पी, ये हो जाएगा एन आर अपॉन पी एट कॉन्स्टेंट टी, तो डी ओवर डी पी ऑफ एन आर अपॉन पी कितना हो जाएगा, माइनस एन आर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा एट कॉन्स्टेंट टी, टी तो कॉन्स्टेंट टी से रहने देता, ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन चेंज करते हैं, तो हम डेल वी ओवर डेल पी निकाल लें एट कॉन्स्टेंट टी, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस एन आर टी बाई पी स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर से डिफरेंशिएट करते हुए आ जाओ, आराम से निकल आएगा। अब हमें क्या निकालना है, डेल ओवर डेल टी, डेल वी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, जो भी था उसे कॉन्स्टेंट पी पे करेंगे, ठीक, तो ये कितना आ गया, ये आ गया डेल ओवर डेल टी, इसकी वैल्यू माइनस एन आर टी बाई पी स्क्वायर एट कॉन्स्टेंट पी, तो इसे टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी एन आर बाई पी स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम कैसा हमारा फंक्शन है, आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है हमारा वो स्टेट फंक्शन है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे कि डेल ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी एट कॉन्स्टेंट टी ठीक, डेल इधर पी होगा, इधर क्या होगा, यहाँ पे टी होगा,
ठीक, यहाँ पे पी होगा सॉरी, इज इक्वल्स टू आ गया डेल ओवर डेल टी डेल वी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक, तो ये बराबर आ गए, तो इसके लिए मतलब हम क्या कहेंगे, ये कैसा फंक्शन है, ये हमारा स्टेट फंक्शन है। क्या है, वी इज अ स्टेट फंक्शन, ये प्रूफ हो गया इसका। ठीक, आसानी से कर दिया, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि दिक्कत तो तुम लोगों को नहीं आ रही होगी ना यार, ये तो समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगर हमें प्रोसेस करना है किसी को, पाथ फंक्शन बनाना है, तो प्रोसेस हम करेंगे। जब हम प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस कैसे करेंगे, प्रोसेस दो तरह के हो सकते हैं, कैसे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर तुम बताना चाहो, जो 11th में खासकर अगर वो बताना चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसमें तुम्हें काउंटर कमेंट करूँगा, ठीक है। लेकिन अब रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन क्योंकि दिख रही है, तो हम बोल ही देते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस विच इज कैरिड आउट स्लो स्लोली, इतना धीमे करना है दैट द सराउंडिंग एंड द सिस्टम ऑलवेज रिमेन इन कॉन्स्टेंट इन इक्विलिब्रियम, कॉन्स्टेंट नहीं, सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो अ प्रोसेस इज कैरिड आउट स्लो स्लोली दैट द सिस्टम एंड द सराउंडिंग ऑलवेज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। और ऐसे प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। कैसे कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, यानी कि स्लोली अगर कहीं लिखा मिल जाए, क्वासी स्टैटिकली लिखा मिल जाए या रिवर्सिबल लिखा मिल जाए, दे आर ऑल द सेम। ठीक है, कि अगर हम किसी प्रोसेस को बहुत स्लो करेंगे, वेरी स्लो करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक, और जब हम स्लो नहीं कर पाएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसे समझने के लिए क्या करें, कि मान लो कि हमने एक सिलेंडर बनाया, ठीक, एक सिलेंडर बनाया, उस पर 10 किलो बालू रख दी, सैंड, सैंड तो समझते हो, और एक 10 किलो का सिस्टम बनाया जिस पे हमने ब्लॉक्स रखे। अब हमने 10 से इसे 8 किलो पे ले जाना है, ठीक है, 10 से हमें कितने ले जाना, 8 किलो पे। तो हमने क्या किया, इसमें से इस ब्लॉक को रिमूव किया और डायरेक्टली यहाँ पहुँच गए। देखो भाई, इस ब्लॉक को रिमूव किया और डायरेक्टली यहाँ पहुँच गए, पहुँच गए, तो क्या होगा, पिस्टन झटके से ऊपर जाएगा, ऐसे करके, कैसे जाएगा, झटके से ऊपर जाएगा, क्योंकि एकदम से 2 किलो का वजन हटा दिया, जैसे तराजू सब्जी वाले का जाता है, अरे रखो और एक बार हटा के देख लेना, ठीक। लेकिन अगर हम इसमें सैंड पार्टिकल रखें और एक एक करके सैंड पार्टिकल को नॉकआउट करें, तो 2 किलो सैंड हटाने में तो पूरा दिन लग जाएगा, धीरे धीरे एक एक पार्टिकल को हम क्या करते रहेंगे, क्लिक करते रहेंगे, ऐसे टिक 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 करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें तो पूरा दिन लग जाएगा यार, पूरा दिन ही खर्च हो जाना है ना फिर। तो अब क्या करें हम, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ये प्रोसेस कहलाएगा हमारा स्लो प्रोसेस। कैसा कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा हमारा स्लो प्रोसेस, और ये वाला कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा फास्ट प्रोसेस, स्लो और फास्ट प्रोसेस। ठीक, तो ये प्रोसेस हो गया स्लो और ये हो गया फास्ट। तो जो स्लो प्रोसेस है उसी को हम कहेंगे कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, और फास्ट प्रोसेस को रिवर्सिबल। अब ये दोनों प्रोसेस 6 तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से तरह के हो सकते हैं, मैं सारे टर्म्स बता रहा हूँ, किसी भी प्रोसेस को आज पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आज केवल टर्मोलॉजी की क्लास है, केवल हम टर्मोलॉजी ही सीख रहे हैं, ठीक है। तो दीज टू प्रोसेस कैन बी ऑफ 6 टाइप्स। कैसा कैसा हो सकता है, आइसोथर्मल हो सकता है, आइसोथर्मल में जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है उसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो माने सेम और थर्म माने टेम्परेचर, तो जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है उसे हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं होती है, एडियाबेटिक वो प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है वो कैसा प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसो माने सेम और बारिक माने, बार माने प्रेशर की यूनिट है, तो आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। आइसोकोरिक, कोर किसका होता है, वॉल्यूम के लिए यूज होता है, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। साइक्लिक प्रोसेस इसमें जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, उसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। और इनके अलावा, 5 के अलावा कोई भी अगर प्रोसेस है तो हम उसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। इन 5ों प्रोसेस के अलावा अगर कोई नया प्रोसेस आ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब हमें 3 टर्म और पढ़ने हैं मेन मेन आज की क्लास में, वर्क, हीट और इंथैल्पी और इंटरनली, 3 या 4 टर्म और बचे हैं वो पढ़ने हैं, बस फिर क्लास आज की ओवर हो जाएगी। तो वर्क क्या कहते हैं, वर्क की डेफिनेशन कितने लोगों को पता है, इसे बिना पढ़े बताना यार, अगर तुम पढ़ने के बाद बता रहे फिर तो बेईमानी है, बिना पढ़े बताओ।
हमें पता, कई लोगों को नहीं पता होगी, वर्क की डेफिनेशन दिन रात वर्क वर्क चलाते हैं और एफ डॉट डी एक्स करके खुरस जाते हैं। एफ डॉट डी एक्स से वर्क का फॉर्मूला आता है, वर्क प्रूफ नहीं होता, ठीक, वर्क की डेफिनेशन नहीं है वो। तो वर्क इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ सिस्टम टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इन सच अ वे दैट द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। इस तरह से हो रही है कि डिफरेंस इन टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, डिफरेंस इन टेम्परेचर इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, वो डायरेक्टली टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो वर्क की डेफिनेशन क्या हो गई, वर्क की डेफिनेशन हो गई एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ सिस्टम टू अनदर सिस्टम इन सच अ वे दैट द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, डिफरेंस इन टेम्परेचर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब वर्क को लिखते क्या हो भाई तुम लोग, वर्क को हम लोग जानते हैं W इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एफ डॉट डी एक्स लिखते हैं, तो एफ डी एक्स लिखते हैं, और एफ इज इक्वल टू होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है क्या, प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया लिख दें। अगर डायमेंशनल एनालिसिस करोगे तो एरिया इंटू डी एक्स किसके बराबर हो जाता है, एरिया इंटू डी एक्स होता है वो डी वी के बराबर हो जाता है, तो ये डी वी के बराबर हो गया। तो हम वर्क को लिख सकते हैं W इज इक्वल टू पी डी वी लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा W इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी डेल्टा वी, क्या लिख सकते हैं, पी डी वी या पी डेल्टा वी। वर्क को ये लिखा जा सकता है आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डायमेंशनल एनालिसिस से हम ये इतनी बात तो कह ही सकते हैं कम से कम, ठीक। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, यहाँ तक क्लियर है, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है बात तो फिर आगे बात करते हैं। जब यहाँ पे हम इस वर्क को लिखते हैं तो इस वर्क को हम कहते हैं ये कैसा पर वर्क है हमारा, दिस वर्क इज कॉल्ड पी वी वर्क, दिस वर्क इज कॉल्ड पी वी वर्क कहते हैं। तुमने दो टर्म सुने होंगे, पी वी वर्क और नॉन पी वी वर्क, तो ये कैसा वर्क है, ये पी वी वर्क है हमारा, ठीक है, ये कैसा वर्क है, ये पी वी वर्क है हमारा। और इसे हम डब्ल्यू को लिखते हैं, डी डब्ल्यू को माइनस पी एक्सटर्नल इन टू वी डी वी लिखते हैं, जहाँ पे जो पी ई एक्स टी है दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल प्रेशर, ये कैसा कहलाता है, एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ना हो तो हम लोग वर्क नहीं कर सकते, ये एकदम सही बात है। मान लो ऐसा हो जाए कि मोदी जी ये कह दें कि अब आईआईटी की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबका लकी ड्रॉ निकलेगा और हम लकी ड्रॉ निकालेंगे आके 5 अप्रैल को, कि जिसका इसका मेंस क्लियर हुआ 99% वालों को लकी ड्रॉ से निकाल देंगे, तो कोई पढ़ाई करेगा, कोई नहीं करेगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि जो प्रेशर है वही काम करवाता है, अगर प्रेशर को रिमूव कर दिया जाए तो काम भी नहीं कर सकते, यानी कि वैक्यूम के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं किया सकता, ठीक। यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, जूल होती है, इसे हम एटीएम लीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि पीडीवी है, तो 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल्स या 24.2 कैलोरीज, ये कन्वर्जन ध्यान रखना, मेंस में कई बार पूछा गया है डायरेक्टली, ठीक है। तो वर्क की बात समझ में आ गई, वर्क क्या होता है, वर्क कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज केवल वर्क की डेफिनेशन करी कि ऐसी एनर्जी जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को ट्रांसफर होती है जिसमें कोई भी टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे को लगता है बिल्कुल अच्छे से। अब हीट क्या है, हीट क्या है, हीट को हम क्यू या स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू जैसा चाहो वैसे लिख सकते हैं। हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी दैट फ्लोज इन टू और आउट ऑफ द सिस्टम। अब हीट में क्या है कि ये भी एनर्जी ही है जो सिस्टम में आ रही है या जा रही है, सिस्टम में आ रही है जा रही है, कि लिखेंगे क्या कि हीट इज द एनर्जी दैट फ्लोज इन टू और आउट ऑफ ए सिस्टम बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। जब सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो हम उसे कहते हैं हीट, और जब टेम्परेचर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है एनर्जी के ट्रांसफर में तो उसे कहते हैं वर्क, ठीक। हीट ट्रांसफर कैन टेक्स प्लेस एट टू कंडीशंस, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होता है तो हम उसे क्यूपी कहते हैं, क्यूपी तो डेल्टा एच लिखते हैं और इसे एन सी पी एम डेल्टा टी लिखते हैं। सी पी एम इज कॉल्ड द मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक। अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, यहाँ पे लिख देते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जो, ठीक, बढ़ाने के लिए जो हमें एनर्जी लगती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई मेरी बिल्कुल क्लैरिटी से। अब एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हम क्या कहेंगे, तो
एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है। कुछ टेक्निकल दिक्कत थी इसलिए थोड़ा सा पॉज करके रिस्टार्ट किया, तो एक स्टेटमेंट दोबारा से आना ही था यार। अब एडिटिंग बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यही बहुत है। ठीक है चलो, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या करेंगे, थोड़ा तो बियर कर ही सकते हो यार, फ्री में इतना तो कर ही सकते हो बियर। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को हम क्यू वी लिखते हैं, क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी एम डेल्टा टी, एन सी वी एम डेल्टा टी इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी कि ये वो एनर्जी है जिसे टेम्परेचर बढ़ाकर हम क्या करेंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1 मोल सब्सटेंस के बढ़ाने में जो एनर्जी खर्च हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, सी वी एम कहेंगे। और सी पी एम माइनस सी वी एम इज इक्वल टू होता है आर, यानी मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे अगर माइनस करते हैं तो उससे मेयर्स रिलेशन आता है। इसका डेरिवेशन फिजिक्स में करोगे, केमिस्ट्री में से करने की जरूरत नहीं है। तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू एन आर हो गया, वेयर आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। ठीक, अब एनर्जी की बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी एवरी सिस्टम हैज सम क्वांटिटी ऑफ मैटर एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। हर मैटर के साथ कोई ना कोई एक एनर्जी एसोसिएटेड है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसकी टोटल एनर्जी अगर हम लिखें कि यू टोटल किसके बराबर होगा, तो जो मैटर के अंदर की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी सबके सम को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी है। यू इज अ स्टेट फंक्शन एंड इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंशन कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट डज नॉट इंक्लूड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम एज ए होल, मतलब अगर हम सिलेंडर को ट्रक पे रख दें तो सिलेंडर के अंदर के पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एज ए होल बात करें, और इट्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन, यानी अगर हम सिलेंडर को 8वीं मंजिल पर ले जाएं या 14वीं मंजिल पर या 34वीं मंजिल पर ले जाएं तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी नहीं। ठीक, यू क्या होता है, यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यू किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम उसे इस तरह से एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे लिखते हैं, डी यू इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस डेल यू ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी। अब फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हो जाएगा डी वी क्या हो जाएगा, जीरो। डी वी जीरो हो जाएगा तो ये टर्म किस कहाँ पहुँच जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो डी यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो डेल यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी के बराबर आ जाएगी। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड सी वी, यही क्या कहलाती है, सी वी। तो ये क्या है, चेंज इन एनर्जी पर यूनिट, ऐसा लिख देते हैं, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो डी यू को हम लिख सकते हैं क्या, सी वी डी टी, या फिर अगर हम एन मोल्स के लिखें तो एन सी वी डी टी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम जीवन भर याद रखेंगे, या डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी लिखेंगे। ठीक, इस फॉर्मूले को हम भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रखेंगे। अब आइडियल गैस के लिए क्या होता है, फॉर एन आइडियल गैस के लिए क्या होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज जीरो। तो हम क्या करें, डेल यू ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज जीरो। तो टेम्परेचर जब कॉन्स्टेंट होगा तो एट कॉन्स्टेंट टी, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, डी यू की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, जीरो ही आएगी। ठीक, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कॉन्स्टेंट टी का मतलब प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डी यू क्या आएगी, हमेशा जीरो आएगी। अब बात आती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम सभी लोग बचपन से जानते हैं और बचपन से कहते आ रहे हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ऐसा बोलते हुए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं।
तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। ठीक, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व, मतलब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन लॉस ऑफ एनर्जी पॉसिबल नहीं है। आगे चल के हम इसे गलत प्रूफ करेंगे कि ये ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ लॉस होता ही है। ठीक, वो अलग तरह से होता है, लेकिन ओवरऑल यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहती है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, फिजिक्स में ये अलग लिखते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू लिखते हैं। ठीक है, अब आईयूपीएसी साइन कन्वेंशन की वजह से फिजिक्स और केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला बदल जाता है। क्या कहता है, हीट गिवन टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग इज टेकन एज पॉजिटिव। देखो, सिस्टम को हीट दो, सिस्टम को वर्क दो, वो सब पॉजिटिव है। अगर सिस्टम ने हीट दी और सिस्टम ने काम किया तो नेगेटिव है। हम सिस्टम की चिंता करते हैं और फिजिक्स वाले सराउंडिंग की, मतलब वो खुद बाहर बैठे होते हैं तो सिस्टम से काम करवाने में पॉजिटिव सोचते हैं। हम लोग सिस्टम के अंदर बैठ के देख रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफरेंस है, तो हम कहेंगे कि सिस्टम ने अगर हीट दी तो वो नेगेटिव है, सिस्टम को हीट दी सराउंडिंग ने तो पॉजिटिव है। तो वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज नेगेटिव। तो बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग कैसा वर्क होगा, एक्सपेंशन वर्क होगा। बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम कैसा होगा, कंप्रेशन वर्क होगा। तो कंप्रेशन वर्क पॉजिटिव है और एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव है। डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू, इसीलिए माइनस साइन लगा के लिखा था, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डीवी। तो अगर एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, वी टू विल बी ग्रेटर देन वी वन, बोलो, फॉर एक्सपेंशन, और फॉर कंप्रेशन वी वन विल बी ग्रेटर देन वी टू। तो इन दोनों ही केस में तुम देखो साइन को जस्टिफाई किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक आ गया है, लास्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी इज अ मेजर ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम का मेजर है इंथैल्पी की डेफिनेशन बहुत कम लोग जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। लेक्चर की लेंथ पे मत जाओ, क्वालिटी पे देखो, है ना, कि इंथैल्पी क्या है। इंथैल्पी इज द मेजर ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इट इंक्लूड्स द इंटरनल एनर्जी विच इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सिस्टम, जो सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी चाहिए वो कहलाती है हमारी इंटरनल एनर्जी, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक स्पेस फॉर इट बाई डिस्प्लेसिंग इट्स इन्वायरमेंट बाई स्टेबलिंग इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। मतलब अपने सिस्टम को बना के उस सिस्टम में गैस को रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम इंथैल्पी कहते हैं, समकोज के। तो dH इज इक्वल टू du प्लस, क्या लिख दिया, pV। तो dH इज इक्वल टू du प्लस d ऑफ pV लिख दिया। इट इज अ स्टेट फंक्शन एंड एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी कैन नॉट बी मेजर्ड, देयरफॉर वी मेजर चेंज इन इंथैल्पी। डेल्टा एच हम क्या करते हैं, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो प्रोसेस कहते हैं एंडोथर्मिक है, यानी हीट दी गई है, और डेल्टा एच लेस देन जीरो है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, जो हमने 9th-10th में पढ़ा था, तो उसे हम कहते हैं हीट इज इवॉल्व्ड। अब केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस आर जनरली कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन, क्योंकि हम लोग ओपन एयर में ही करवा रहे हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट कराते हैं, उसके लिए प्रेशर थोड़ी चेंज करते हैं। तो कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन में कराने के लिए, यानी एटमोसफेयर प्रेशर में करा रहे हैं, तो हम लोग डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी को हम डेल्टा पी वी लिख देते हैं, और डेल्टा पी में पी जो होता है हमारा कॉन्स्टेंट हो जाता है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू यू प्लस पी डेल्टा वी आ जाता है। ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू यू प्लस पी डेल्टा वी आ जाता है। तो डी एच जो है वो हमारा फंक्शन किसका है, डी एच हमारा फंक्शन है प्रेशर और टेम्परेचर का। तो हमने डी एच को ऐसे लिख दिया, अगर हम लिखें फॉर, इसके लिखें अगर हम फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हम क्या लिखेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए dP क्या हो जाएगा, जीरो। तो dH की वैल्यू किसके बराबर आ जानी है, dH की वैल्यू आ जाएगी डेल एच ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डी टी, ये हमारा CP है। तो dH की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, CP dT के बराबर आ जाएगी, या dH को लिख देंगे किसके बराबर, NCP dT के बराबर। ठीक, या डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, डेल्टा NCP डेल्टा टी लिख देंगे। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे टी कॉन्स्टेंट, टी डेल डी टी जीरो हो जाएगा, और डेल एच ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी जो होता है वो जीरो होता है फॉर आइडियल गैस। जैसे वी वाला जीरो होता वैसे ही ये भी जीरो होगा। तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो।
अच्छा, फॉर केमिकल रिएक्शन हम पी डेल्टा वी को डेल्टा एन जी आर डी लिख सकते हैं, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर डी भी लिखा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग अगली क्लास में थर्मोकेमिस्ट्री ही करेंगे और थर्मोकेमिस्ट्री खत्म कर देंगे अगली क्लास में, सारे तरह की एंथैल्पी और उनके क्वेश्चंस अगली क्लास में खत्म कर देंगे, चाहे कितना ही बड़ा लेक्चर हो, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है, अब तो टाइम कम बचा है, डेट्स आ गई हैं, ठीक, तो थोड़ा जल्दी करेंगे ना। तो डेल्टा एन जी किसके बराबर, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। अगर हम मान लो कोई रिएक्शन ले लें कि ए प्लस बी गिव्स ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी गिव्स सी टाइम्स सी प्लस डी टाइम्स डी, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एन जी की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी के बराबर आ जाएगी। और इस लेक्चर को अब हम यहीं पर रोकते हैं। देखो यार, लोगों तक लेक्चर पहुँचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई अगर बीच में ज्वाइन करता है ना तो उसे दिक्कत आती है। वन शॉट वीडियोस उनके लिए हैं, जैसे तुमने मान लो एटॉमिक पढ़ लिया, अब तुम्हें आज बैठ के लग रहा है कि एटॉमिक को रिवाइज करना है, ठीक, तो बिल्कुल वन शॉट से रिवाइज करो, फिर पूरे लेक्चर मत देखो, है ना, फिर वन शॉट से रिवाइज करो। लेकिन जो पहली बार देख रहा है लेक्चर्स को, देखो कंटेंट अगर ऊपर नीचे होगा तो फिर सवाल नहीं बनेंगे पेपर में, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का ना। मेन बात है सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होगा उसके लिए मैं सही राय देता हूँ हमेशा, ठीक। चलो भाई, मिलते हैं हम लोग, तब तक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरे को कहना ही पड़ रहा है अल्टीमेटली, लोगों तक पहुंचाओ, व्हाट्सएप पे लगा दो, कहीं से भी करो, फेसबुक पे शेयर कर दो, इंस्टा पे शेयर कर दो लिंक, लेकिन लोगों तक पहुंचाओ जरूर यार, है ना, मोटिवेशन बना रहना चाहिए। हम लोग एडवांस तक कम से कम कुछ तो एक बेंचमार्क सेट कर लें, लोग आते हैं चैनल पर केवल 3,000-4,000 सब्सक्राइबर हैं, क्या इन्हें कुछ नहीं आता होगा, ऐसा होता है, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है।